हेलो दोस्तों, मैं हूं तनवीर और भाई मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता हूं। ये जिला मेरठ में पड़ता है। तो भाई आप लोगों को मैं पहले एक आज छोटी सी खुशखबरी दे दूं। ये वैसे खुशखबरी तो मेरे लिए है, शायद आप लोगों के लिए तो ना हो। तो भाई खुशखबरी ये है कि मैं आपको पिछली वीडियो में बोल ही रहा था कि मैं एक बाइक लेने की सोच रहा हूँ और पापा ने भी बोल दिया है। तो भाई जो आप ये आज पीछे की साइड पे देख रहे हो बाइक खड़ी हुई, ये मेरी ही बाइक है और इसको भाई हमने कल ही लिया है। तो बाइक लेने गए थे, मैं उधर तो ब्लॉग नहीं बना पाया यार, क्योंकि सेल्फी स्टिक जो थी वो मैं घर पे ही भूल गया था, यही कारण रहा कि मैं ब्लॉग नहीं बना पाया। तो आज मैं इस पे ही इधर की साइड खेतों पे यही इसको बस घूमने आया हूँ। तो चलो पहले तो मैं आप लोगों को ये बाइक दिखा देता हूँ, इसके बाद करते हैं फिर खेत वेत की तो थोड़ी बातें। तो दोस्तों ये देखो लो, ये भाई बाइक है, ये स्प्लेंडर है, आप लोगों को दिख रही हो, दिखा देता हूं। ये भाई स्प्लेंडर प्रो, और भाई ये हीरो कंपनी की है, दिखा दूं आप लोगों को अच्छे से। बाइक तो भाई सिंपल ही है, कोई मतलब ज्यादा मॉडलिस बाइक नहीं है, जैसे होती है ना वो ठीक ठाक है, मतलब इतना कैपेसिटी भी नहीं थी कि हमारी बहुत महंगी बाइक ले। तो भाई ये ठीक सी बाइक हमने ले ली है। और भाई कमेंट करके बता देना कि आप लोगों को कैसी लगी ये बाइक। ब्लैक कलर भाई मैंने चूज किया क्योंकि मेरा फेवरेट है ब्लैक कलर, और मैं आज इसी बाइक पे अपनी इधर की साइड खेतों पे घूमने आया हूँ। पहले आज एक छोटी सी बात बता दूं, अपनी लाइफ में मैंने वैसे भाई देख बाइक कभी नहीं चलाई, एक आध बार जल चलाई हो अपने किसी फ्रेंड फ्रेंड की, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस नहीं था और घर पे बाइक भी नहीं थी, तो थोड़ा डर भी लगता था यार कि दूसरों की बाइक चलाना मतलब कभी कुछ हो आ ना जाए, और चलानी भी नहीं आती थी यार मुझे अच्छे से। तो मेरा आज मैं अपनी ये बाइक आई है मेरी नई, तो मैं इसको तो चला रहा हूँ आराम से। तो इसी पे आया हूँ मैं यहाँ खेतों पे घूमने। और भाई एक बात हो रही है, मैं अब कॉलेज गया इसीलिए मुझे घर वालों ने बाइक दिलवा दी है। वैसे स्कूल टाइम तक 11वीं 12वीं तक मेरे पास कोई बाइक वाइक नहीं थी, साइकिल से ही मैं ट्यूशन जाया करता था। और आप लोगों ने जो मेरी देखी हो अगर लाल वाली साइकिल, हमेशा मैं जितने भी ब्लॉग बनाता हूँ अपनी उसी लाल वाली साइकिल से बनाता हूँ, तो भाई वही साइकिल मेरे पे आज तक थी, उसी साइकिल से मैं सब काम करता था, ट्यूशन उससे जाता था, हर जगह स्कूल में भी उससे ही जाता था। गांव से मेरा स्कूल जो पड़ता था वो 8-10 किलोमीटर पड़ता था, तो मैं भाई उसी साइकिल से अपनी से स्कूल में जाता था। तो भाई अब तो बाइक आ गई है ये हमारी, ये खड़ी हुई है और इसी से बस अब सब व्लॉग व्लॉग इससे ही बनाया करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये खुशखबरी तो भाई मेरे लिए तो है, देखो आप लोगों के पास तो शायद पहले से ऑलरेडी बाइक हो, पर भाई हमारे पास तो बाइक नहीं थी। तो चलो अब मैं आप लोगों को थोड़ा इस बाइक पे इधर उधर घुमा देता हूँ, इसके बाद फिर थोड़ा सोचते हैं कि आज क्या व्लॉग बनाए, क्योंकि मैं खेतों के बारे में तो आप लोगों को बहुत चीज दिखा चुका हूँ। तो ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम अपनी बाइक पे। राउंड तो बाइक का ले लिया। वैसे मैं आप लोगों को बताऊं, साइकिल पे तो ब्लॉगिंग करनी बहुत ही आसान होती है बेहद। इसमें क्या है कि जैसे मैंने सेल्फी स्टिक को पकड़ा, एक हाथ में सेल्फी स्टिक थी, अब मैं कंफ्यूज हो गया कि वो क्लिच होता है ना पकड़ने का, तो मैं एक हाथ से वो पकड़ा हुआ था,
अब भाई क्लिच को छोड़ने पे फिर क्या होता है, दूसरे हाथ से रेस देनी होती है। अब मैं कंफ्यूज हो गया रेस कैसे दूं, क्योंकि एक हाथ से हेल्प स्टिक पकड़ी हुई थी। तो भाई जहां तक कि आज मेरा एक्सपीरियंस रहा, पहली बार मैंने मतलब बाइक पे सेल्फी स्टिक से वीडियो बनाई है, तो भाई ये बहुत मुश्किल होता है बेहद। वैसे आप लोगों को बोलूं कि आप ट्राई मत करना ये इस तरीके का, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम होता है। तो बाइक भाई इधर की साइड ही खड़ी हुई है ये, तो अब तो मैं भाई अभी खेत पे ही हूँ, क्योंकि बाइक पे मैं ज्यादा वीडियो नहीं बना पाया और मैं बनाऊंगा भी नहीं भाई आगे से वीडियो इस पे बाइक पे ऐसे सेल्फी स्टिक पकड़ के, क्योंकि भाई रिक्स होता है और इस तरीके का रिक्स मेरे अकॉर्डिंग लेना बिल्कुल सही नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, आप भी ऐसी हरकत मत करें, आप लोगों से मैं यही बोलूंगा। और अभी तो बस मैं यही इधर ही खेतों पे घूम रहा हूँ और अब मैं अपने घर पे जाने वाला हूँ। और आप लोगों को मैं एक चीज और दिखा दूं, ये भाई इधर की साइड आप देख रहे हो, ये खेत पे हमारे ही खंभे खड़े हुए हैं, ये देखो इस पे डेंजर भी लिखा हुआ है, खतरा। तो भाई इस पे क्या होता है कि ये जो खेत पे, आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की क्या जरूरत, तो भाई यहाँ क्या होता है कि ट्यूबवेल होती है। मैंने अगर आप लोगों ने देखी हो मेरी पिछली वीडियो, तो उस वीडियो में मैंने आप लोगों को ट्यूबवेल दिखाई थी। अब यहाँ क्या होता है कि ट्यूबवेल से पानी दिया जाता है, जो ये पूरी फसलें हैं ये इधर उधर ये खेत खड़े हुए हैं इन सब पे पानी दिया जाता है यहीं, तो इसलिए यहाँ पे खेत पे बिजली का वो होता है। यहाँ मतलब बहुत जरूरत होती है खेत पे भी बिजली की, क्योंकि अगर बिजली ना होगी तो पानी नहीं दिया जाने का, फिर फसल ही सूख जाएगी सारी की सारी। पर जो नहरी इलाके होते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को नहर दिखाई दी अपनी पिछली वीडियो में, उस जगह पे तो ज़्यादा यूज नहीं होता लाइट वाइट का। तो ठीक है दोस्तों, हम फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में। और दोस्तों मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये वीडियो तो बहुत पसंद आई होगी बेहद। तो अगर कोई लोग हमारे चैनल पे भाई कोई भाई पहली बार आया हो, तो उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि भाई उस चैनल को इसको सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि दोस्तों बहुत छोटा चैनल है, कोई बड़ा चैनल नहीं है जैसे भाई बिकम यूट्यूबर का। तो हमें तो अपने अगर एक एक सब्सक्राइबर रोज की बढ़ता है तो उससे भी बहुत खुशी होती है। और दोस्तों आपका कोई क्वेश्चन हो मुझसे तो प्लीज मुझे कमेंट करके बोलना, मैं आप लोगों को उसका सॉल्यूशन भी दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं जा रहा हूँ अपने घर ही जा रहा हूँ। बस ये थोड़ी सी हम व्लॉगिंग कर ली यहाँ, क्योंकि नई बाइक ली थी तो मैंने सोचा कि बाइक के बारे में भी आप लोगों को थोड़ी नॉलेज दे दूं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर से अपनी अगली एक नई वीडियो में। और जो भाई अगर नया हो ना, प्लीज चैनल को इसको सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।